गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक का तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस, उसको हम आव्यूह कहते हैं। और चलिए मैं सीधे इसको स्टार्ट ही करता हूँ। देखिए, पहले इसकी परिभाषा से और इससे बात करते हैं। परिभाषा क्या है, इसके प्रकार वगैरह क्या है, इसका क्रम वगैरह, जो स्टार्टिंग की चीज़ें बिल्कुल बेसिक एक बार आव्यूह का वो स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो इससे पहले इसका कोई ज़्यादा लिंक नहीं है कहीं, कि आव्यूह का कोई बहुत ज़्यादा लिंक पहले से रहा और आप लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते हो, तो बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है, नई चीज़ है। मैं इसको यहीं से एक्सप्लेनेशन से लेकर के चलूँगा कि इसके डेफिनेशन क्या है, वहाँ से उसको एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन से। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं इस शब्द को देखें आव्यूह, ये जो शब्द है आव्यूह, इसको दरअसल दो भागों में तोड़ लो, एक तो आ और एक व्यू। अब देखो, इसको आ को छोड़ो, इस व्यू की बात करते हैं। मैं जैसे ये व्यू शब्द बोलता हूँ, तो व्यू बोलने से आपको कोई शब्द इससे याद आता है, व्यू से याद करो, और कुछ नहीं तो कम से कम एक शब्द जरूर आपके दिमाग में आएगा, चक्रव्यूह। बिल्कुल, मैं उसी चक्रव्यूह की बात कर रहा हूँ, वही महाभारत वाला चक्रव्यूह के, उसमें अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह में फंस गया था। तो एक्चुअली चक्रव्यूह की अगर बात करें तो व्यूह वही वाला व्यूह इसमें भी है, ये भी दो चीजों में टूट गया, चक्र और व्यूह। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चक्र और प्लस व्यूह। इस चक्र का मतलब है वृत्त, और व्यूह जो होता है, इस व्यूह का मतलब होता है व्यवस्था, अरेंजमेंट, कुछ चीजों को व्यवस्थित करना, अरेंज करना। तो ये वृत्त तो हुआ, ये चक्र का मतलब तो हुआ वृत्त, और ये व्यवस्था, यानी वृत्ताकार व्यवस्था जो है वो चक्रव्यूह है। तो एक तरह से कुल मिलाकर के ये तो हो गई वृत्ताकार व्यवस्था। कैसी हो गई वृत्ताकार व्यवस्था? इसमें क्या है, कुछ चीजों को लेकर के वृत्त पे स्थित किया जाता है, वृत्त पे व्यवस्थित। किस तरह से करते हैं वृत्त पर व्यवस्थित? देखो, ऐसे कुछ संकेंद्रीय वृत्त बनाए, जैसे एक वृत्त एक और बना ले, दो हो गए, तीन हो गए, ऐसे। जैसे महाभारत में था कि उसमें सात द्वार थे, इसका मतलब उसमें सात संकेंद्रीय वृत्तों पर उसको पूरी सेना को उसने व्यवस्थित किया था। अब मैं वो चक्रव्यूह नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चूंकि व्यवस्था के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ वस्तुओं को इस पे इस तरह से व्यवस्थित कर लें अपन, ऐसे हो गई, ऐसे इस पे बाहर वाले दूसरे व्रत पे कुछ वस्तुओं को व्यवस्थित कर दें। तो जब वस्तुओं को व्रत पर व्यवस्थित किया जाए तो वो तो हो गई वृत्ताकार व्यवस्था, इस तरह से। अब यहां आते हैं, व्यू का मतलब तो यहां भी व्यवस्था है, व्यू मतलब व्यवस्था। और यहां जो ये आ है, ये आ शब्द आया आयत से। तो अब दिमाग में आया ये क्या है, आ मतलब आयत और व्यू मतलब वही व्यवस्था। तो कुल मिलाकर के ये बन गया आयताकार व्यवस्था। कैसी हो गई आयताकार व्यवस्था? तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि आव्यूह का मतलब है आयताकार व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो आयताकार हो। देखो, इस आयताकार व्यवस्था में क्या है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपको बड़े अच्छे समझ में चीज आएगी। देखो, मान लीजिए मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करता हूं, किसी पर्टिकुलर स्कूल में 12th क्लास के स्टूडेंट्स, और ये 12th क्लास में अपन बात करें, मान लीजिए इसमें तीन स्ट्रीम्स हैं। कौन कौन सी है? इसमें कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे जनरली होता है स्कूल्स में, इसमें कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, और इसमें कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो हम तीन स्ट्रीम्स को लेकर के बात करते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। अब मैं इन तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स की बात करूं, और तीनों स्ट्रीम में जो स्टूडेंट्स हैं इन तीनों स्ट्रीम्स के, उनमें भी बॉयज और गर्ल्स की बात करता हूं, कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। अब देखो, सपोज मैं बात करता हूं, जैसे साइंस की बात है, साइंस में मान लीजिए मैं कहूं कि साइंस का जो ग्रुप है 12th का, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का, मान लीजिए उसमें 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं। ऐसे ही आर्ट्स वाले में मान लीजिए इस तरह से मान लें कि 10 बॉयज और 25 गर्ल्स। कॉमर्स में मान लीजिए यहाँ पे 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। अब देखो, ये जो इस तरह से मैंने नंबर्स लिखे, मैं इनके बीच में से यहाँ से प्लस हटा दूं, और आप ध्यान से देखो, देखो जब मैं इसको देखूंगा ऐसे इस वाले को, तो ये साइंस के स्टूडेंट्स हो गए। साइंस के स्टूडेंट्स में ये तो हो गए बॉयज और ये हो गए गर्ल्स। अब इनको मैं दोनों तरह से देख सकता हूं, कैसे? ये जो व्यवस्था है, इतना केवल ये वाली चीज, इतना इतना, ये एक तरह से एक सारणिक टाइप में बन गए, और ये टू डायमेंशनल है, द्विविमीय। द्विविमीय कैसे है, देखो इस छत्तीस रूप में अगर मैं इस पंक्ति पे चलूं, तो इस पंक्ति में 12th क्लास के सारे बॉयज हैं, साइंस में इतने हैं, आर्ट्स में इतने हैं, कॉमर्स में इतने। मान लो मुझे ये पता करना हो कि तीनों स्ट्रीम में मिलाकर के टोटल कितने बॉयज हैं, तो मैं इन तीनों को जोड़ दूं यहां से,
मुझे ये पता करना हो तीनों स्ट्रीम में मिला करके टोटल कितने गर्ल्स हैं, तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, ऐसे इन तीनों को जोड़ दूंगा तो टोटल गर्ल्स आ जाएंगे। मुझे ये पता करना हो साइंस में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप ऊपर से नीचे इनको दोनों को जोड़ दो, साइंस के स्टूडेंट्स हो गए, ऐसे देखेंगे तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो गए, ऐसे देखेंगे तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो गए। ये व्यवस्था करने के बाद में हमें जो डाटा यहाँ पे जो मिला है, इस डाटा को यहाँ रखने के बाद में हमें यहाँ से काफ़ी सारी सूचना एक साथ मिलती है। मुझे ये पता कर, मैं कोई सी भी सेक्शन में पता कर सकता हूँ कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं, उनका रेशो निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है ये, कि डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। और इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक आयत के रूप में हो गया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा ये आयत बन गया। इस आयत की जैसे ये तीन, तो इसमें ऐसे संख्याएं और ऐसे दो दो हैं हर जगह, ठीक है, तो ऐसे हो गए। अब इसमें क्या है, बस यही जो चीज़ है, अगर मैं आर्ट साइंस कॉमर्स की इसकी बात नहीं करूं यहाँ पे, मतलब मैंने एक एग्जांपल बताया, इसका मेथड क्या है, इनको जिन चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, इनको व्यवस्थित करके जैसे ये नंबर से डाटा मैंने यहाँ रखा और इसको बड़े वाला ब्रैकेट में रख देते हैं ऐसे बस। तो अव्यू जो है वो एक आयताकार व्यवस्था है वस्तुओं की, वस्तुओं की आयताकार व्यवस्था कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ऐसे लिख करके इसको ब्रैकेट में रख दिया। बस इस आयताकार व्यवस्था को रखने का ये मेथड है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़े वाले कोष्ठक में इसको रख दिया जाता है। तो ये व्यवस्था जो है, बस आव्यू जो है वो सिर्फ एक व्यवस्था मात्र है। और वो व्यवस्था क्यों की जाती है, क्योंकि वो डाटा हमें भविष्य में कोई इस तरह की सूचनाएं देने के लिए या कोई ना कोई काम में लेने के लिए किसी भी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा बना लिया कि किस तरह से कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, कैसे हैं। ये चीज़ क्लास वाइज भी हो सकती थी, मैं मान लो हर क्लास में स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, और मान लो कि जैसे 11th और 12th दो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं कि साइंस में कितने, आर्ट्स में कितने, कॉमर्स में कितने, मुझे ऐसे बनाना होता तो मैं यहाँ पे बनाता साइंस आर्ट्स कॉमर्स और यहाँ में लिख दूँ 11th क्लास, यहाँ लिख दूँ 12th क्लास, तो 11th के बॉयज, 12th के बॉयज गर्ल्स, इस तरह से ये ऐसे बन सकता था। तो जो ये इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है, दो चीज़ें आपको देखनी है, आयताकार व्यवस्था, यानी एक तो ये आव्यू जो है ये क्या है, एक तरह से इसको एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं टू डायमेंशनल, हिंदी में लिख देता हूं द्विविमीय, द्विविमीय, द्विविमीय व्यवस्था, द्विविमीय व्यवस्था यानी ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में, तो द्विविमीय व्यवस्था कह लो या इसको आप आयताकार व्यवस्था कह लो। तो ये दो तरह से अरेंज हुए, ऐसे ये इस तरह से क्षैतिज रूप में और दूसरा ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप में, तो दो रूप में व्यवस्थित हो गए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में। मैं और एग्जांपल दूं इसको, आप सुबह जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल्स में आपने जनरली सभी ने देखा होगा कि हम जब सुबह स्कूल में जाते हैं तो हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर के लिए जब हम लाइन में खड़े होते हैं तो पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं, तो बाकायदा इस तरह से लाइनें बनती हैं, और अगर इन लाइनों को प्रॉपर ढंग से बनाया जाए तो बिल्कुल इस तरह से हो गए, जैसे आर्मी की परेड होती है ना, तो परेड में जिस तरह से कैडेट्स खड़े होते हैं तो सेम वैसी व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था को अगर अपन देखें तो इस तरह से एक दो तीन चार, ये क्षैतिज रूप में चार हो गई, और ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप में देखें तो एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे हो गई। तो एक तरह से ये टू डायमेंशनल द्विविमीय इसीलिए कहा जाता है कि दो विमाओं में बटा हुआ है, ये क्षैतिज रूप में भी है और ये ऊर्ध्वाधर रूप में भी है। जो क्षैतिज रूप में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे एक दो तीन चार, ये क्षैतिज रूप में जो लाइनों में पंक्तिबद्ध जो है, इनको तो हम पंक्ति ही बोलते हैं। क्षैतिज तो क्या है, पंक्ति, क्षैतिज को पंक्ति ही बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था होती है, ऊर्ध्वाधर रूप में अगर हम बात करें, जैसे ये है, तो इसको हम बोलेंगे स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। तो एक तरह से आव्यू जो है दो चीजों में, दो तरह से व्यवस्थित है, पंक्ति और स्तंभ के रूप में। कैसे है, पंक्ति और स्तंभ के रूप में, तो ये तो है पंक्तियां ऐसे अगर बात करें, और ऐसे हैं तो ये स्तंभ हैं। तो ये चीज़ हो गई, ये इसका एक ओवरऑल, मैं सिर्फ डेफिनेशन को लेकर के बात कर रहा हूँ, परिभाषा की। तो आव्यू की परिभाषा एक तरह से क्या हुई कि आव्यू एक आयताकार व्यवस्था है। आयताकार व्यवस्था किन की, कुछ चीज़ों की है। ये चीज़ें कैसे आयताकार रूप में व्यवस्थित होती हैं, इनको क्षैतिज रूप में पंक्तिबद्ध और ऊर्ध्वाधर रूप में पंक्तिबद्ध रूप में स्थित कर दिया जाता है। अब देखो, जैसे इसमें मैं बात करूँ, इसमें ये एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तीन पंक्तियाँ ऐसे। ये जो पहली पंक्ति है, पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो, और स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। और ये चीजें आपको इंग्लिश में ही याद रखनी पड़ेंगी, दोनों रो और कॉलम। तो इसमें कितने रो हो गए, इसमें एक दो और तीन रो हो गए। ये सबसे ऊपर वाली जो है, यहीं से काउंटिंग करते हैं, इसको लिखते हैं आर वन, फर्स्ट रो, पहली पंक्ति, इसको लिखते हैं दूसरी पंक्ति आर टू, और ये तीसरी पंक्ति आर थ्री। ये पहला कॉलम, इसको लिख दें सी वन, ये दूसरा कॉलम सी टू, ये तीसरा कॉलम सी थ्री।
तो एक तरह से ऐसे क्षितिज रूप में जो व्यवस्थित हैं ये तो पंक्तियां हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में ऐसे व्यवस्थाएं देखें तो ये कॉलम्स हैं। तो पूरा जो आव्यूह है, जो मैट्रिक्स है पूरा, तो वो पंक्ति और रो, ये रो और कॉलम के रूप में इस तरह से व्यवस्थित है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई, क्या है कि आव्यूह जो है एक आयताकार व्यवस्था होती है जो पंक्ति और स्तंभों के रूप में वस्तुओं को व्यवस्थित करके बनाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखें कि ये एक व्यवस्था मात्र है, बस चीज़ों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ इसमें। अब मान लीजिए हमने कुछ भी एक आव्यूह ले लिया एक, और उस आव्यूह में उस व्यवस्था की हम बात करें, कोई भी मैंने जैसे अभी आव्यूह लिखा था कि एक्स वाई जेड, मैं यहाँ पे लिख दूँ पी क्यू आर, मैंने ऐसे ले लिया है। इसमें एक और एक दो तो पंक्तियाँ हैं, ये आर वन और ये आर टू, ये दो पंक्तियाँ हैं। तीन इसमें स्तंभ है, ये पहला स्तंभ सी वन, ये दूसरा स्तंभ सी टू, ये तीसरा स्तंभ सी थ्री, तीन स्तंभ हैं। तो जितनी पंक्ति और जितनी स्तंभ होते हैं, यहां इनकी संख्या लिखूं, देखो छोटी सी कितनी पंक्तियां थी, दो, पहले पंक्तियों की संख्या दो, फिर गुणा का चिन्ह लगाऊं और फिर लिखूं स्तंभों की संख्या तीन, तो ये हो गया दो गुणा तीन। ये दो गुणा तीन जो है इसको गुणा ना पढ़ करके इसको हम पढ़ेंगे टू बाई थ्री, और ये टू बाई थ्री जो है ये इस आव्यूह का क्या कहलाता है, क्रम कहलाता है, आव्यूह का क्रम। तो मैं अब बात कर रहा हूं आव्यूह के क्रम की, तो आव्यूह का क्रम। और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम नहीं जानते हो व्यवहारिक रूप में, सारी चीजें हमने सुनी हुई होती हैं, हम सब कुछ जानते होते हैं, बस थोड़ा सा ये कि हम वो सारी चीजों को, मैं उसी चीज को रिकॉल करके उन्हीं को कोरिलेट करूंगा आपके जो पहले से आप जानते हैं। देखो मैंने क्रम लिखा, क्रम क्या है दरअसल, क्रम को एक तरह से आप कह सकते हो कि रो गुणा कोलम, पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी और पढ़ेंगे इसको क्या, रो बाई कोलम, कितने रोज और कितने कोलम, पंक्ति बाई स्तंभ, तो कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, पंक्ति बाई स्तंभ, या गुणा का चिन्ह लगा लो, कैसे भी आप लिख सकते हो, पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक, अब मान लीजिए किसी में m पंक्तियां हैं, n स्तंभ हैं, तो उसका क्रम हो गया m गुणा n, या इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में अपन m बाई n। और ये जो चीज़ है, ये m बाई n, 2 बाई 3, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, खूब बहुत ज़्यादा व्यवहारिक रूप में काम में आती है। देखो आपने खूब सुना होगा कई बार, ये हमारा एक प्लाट है, होता है ना, जनरली हम प्लाट खरीदते हैं, प्लाट की हम माप बताते हैं कि हमारा इतने बाई इतने का प्लाट है, खूब कॉमन रूप से चलती है। मान लीजिए इसकी 30 फीट तो चौड़ाई है, लंबाई है, और 20 फीट इसकी चौड़ाई है, तो ये कितना हो गया, 30 बाई 20। ये खूब, ये बहुत कॉमन रूप में चलता है, बिल्कुल अनपढ़ आदमी जिसको ABCD तक भी नहीं आती है वो भी आदमी इसको खूब बोलता है कि भाई इतने बाई इतने का प्लाट है। तो इतने बाई इतने का मतलब, जैसे 30 बाई 20 का प्लाट हो गया, इसका मतलब 30 इसकी लंबाई होगी, 20 इसकी चौड़ाई होगी। तो वैसे यहाँ पे भी है, ये वही लंबाई चौड़ाई वाला मैटर है, कि बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले पंक्ति की संख्या बोलनी है, उसके बाद स्तंभों की संख्या बोलनी। जैसे इसमें हमारी दो पंक्तियाँ थी और तीन स्तंभ, तो इसका क्रम हो गया 2 बाई 3। अब चलो और एक दूसरी चीज़, मान लीजिए 2 बाई 3 का आव्यूह हुआ, आव्यूह के बाद में इसके लिखने का मेथड, ये तो इसका क्रम हो गया, क्रम में आ गया। अब यहीं से मैं एक चीज और बता देता हूं, अवयवों की संख्या, दूसरी एक चीज है अवयवों की कुल संख्या। ये अवयव क्या है, जिन वस्तुओं को लेकर के व्यवस्था की गई है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सब के सब क्या है, अवयव है। ठीक है, अब इसमें कितने अवयव हैं, अवयवों की कुल संख्या, देखो इसमें एक पंक्ति में तीन अवयव हैं, दूसरे वाली में भी तीन है, तो तीन और तीन कितने हो गए, 6। पहली पंक्ति में तीन अवयव, दूसरी पंक्ति में भी तीन अवयव, ठीक, तो दोनों पंक्ति में तीन तीन अवयव हैं। एक पंक्ति में उतने अवयव होंगे जितने उसमें स्तंभों की संख्या होगी, दूसरी पंक्ति में भी उतने अवयव होंगे जितनी उसमें स्तंभों की संख्या होगी। तो एक तरह से जैसे तीन तो इसमें थे, तीन इसमें थे, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 और 3 6, और मान लो एक और पंक्ति हुई होती तो कितने हो जाते, 3 3 6 और 3 9, 4 होते तो 3 चौक 12, 5 होते तो 3 5 15। अब सीधी सी बात हो गई कि अवयवों की जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 3 गुना 2 3 दूनी 6 हो गया, तो सीधा सा है जितनी उसमें पंक्तियां हैं, जितने उसमें स्तंभ हैं, उनकी गुणा कर दो तो वो अवयवों की संख्या हो जाएगी। तो अवयवों की कुल संख्या जो है वो क्या है, पंक्ति गुणा स्तंभ है वही, बस यहां इनकी गुणा करके लिखनी है। मान लीजिए पंक्तियां m व स्तंभ n हो, कोई आव्यूह है इसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, तब
अवयवों की संख्या। तो इसमें कितने अवयव होंगे, तो अवयवों की जो संख्या है वो हो जाएगी टोटल ml। जैसे इसमें 2/3 का था तो 2 × 3 = 6 अवयव हो गए। अच्छा, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है, एक अवयव में कुल 8 अवयव हैं, एक अवयव है उसमें कुल 8 अवयव हैं, तब इसके संभावित क्रम, इसका क्या क्रम हो सकता है, संभावित क्रम लिखिए। इसमें अवयवों की संख्या दे दी उसने, अवयवों की संख्या है 8, तो संभावित क्रम क्या हो सकते हैं। अब ये 8 कब आया होगा, जब पंक्ति और स्तंभ दोनों की गुणा हुई होगी, यानी मुझे वो दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा होकर के 8 आता है। देखो जैसे 2 × 4 कर दें तो 8 आ जाएगा, यानी इसमें 2 पंक्तियां बना दें, सब में 4 अवयव रख दें, जैसे 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4, तो 4 × 4 = 8 अवयव हो गए। लेकिन ये जैसे ऐसे बना, अब इसमें ये तो हो नहीं सकता कि मैं 3 अवयव वाले बना दूं, 3 × 1 × 3 × 1 में, तो फिर 2 ही बचेंगे, हर पंक्ति स्तंभ में बराबर बराबर अवयव होने चाहिए हिसाब से। तो एक तरह से सीधी सी बात यह है कि इस 8 के जो जो गुणनखंड हो सकते हैं, अब इसे सीधे सीधे गुणनखंड करो, जैसे 2 × 4 है तो 4 × 2 भी होगा, 2 × 4 = 4 × 2, 1 × 8 भी हो सकता है, ये सारे के सारे एक पंक्ति में रख दो, 8 × 8 अवयव ऐसे बन सकता है, 8 × 1 भी हो सकता है, एक एक अवयव ऐसे कॉलम बना करके रख दो, ये भी संभव हो सकता है। और कुछ हो सकता है संभव बताओ, 4 के ये गुणनखंड हो सकते हैं, तो 1 × 8 या 8 × 1 या 2 × 4 या 4 × 2, तो ये इसके संभावित क्रम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैं इतनी बात कर रहा हूं कि ये क्या हुआ, अवयव की परिभाषा हो गई और उसका क्रम हो गया, अवयवों की संख्या हो गई। ठीक है, अब इसके आगे बात करेंगे अवयव के रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, इसको यहीं तक एक बार देख लें। ओके।